इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान हुए रोड शो के प्रसारण के खिलाफ चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि जिन 117 सीटों में मतदान हो रहा है वहां बीजेपी ने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर मोदी के वाराणसी में नामांकन की तस्वीरें दिखाई हैं, जिससे मतदाताओं पर इसका असर पड़ सकता है। साथ ही बीजेपी के खिलाफ जनप्रतिनिधि एक्ट की धारा 126 के तहत FIR दर्ज कराने की भी बात कही है। बड़ी खबर है, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है बीजेपी की। वजह क्या है? कांग्रेस का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान जो रोड शो हुआ उसका प्रसारण पे उनको आपत्ति है। जिन 117 सीटों में मतदान हो रहा है वहां बीजेपी ने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर मोदी के वाराणसी की नामांकन की तस्वीरें दिखाई। कांग्रेस ने आरोप लगाया जिससे मतदाताओं पर इसका असर पड़ सकता है। साथ ही बीजेपी के खिलाफ जनप्रतिनिधि एक्ट 126 के तहत FIR दर्ज करने की भी कराने की भी बात की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने बकायदा चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और यह कहा है कि बीजेपी ने जो काम किया है वो गलत है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का रोड शो जो था उसको बकायदा, जहां पर 117 सीटों पर नामांकन हो रहा है, जहां पर 117 सीटें जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर नामांकन का प्रसारण किया गया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी के खिलाफ जनप्रतिनिधि एक्ट की धारा 126 के तहत FIR दर्ज कराने की बात की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि नरेंद्र मोदी के रोड शो के तकरीबन नॉमिनेशन के 2 घंटे के बाद कांग्रेस हरकत में आई। अनूप श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। अनूप, पूरी खबर बताएं, अभी क्या मामला है? देखिए, जिस तरह की भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई थी वो अभूतपूर्व थी। नरेंद्र मोदी के नामांकन जुलूस के दौरान या उनके नामांकन के दौरान सड़क के दोनों तरफ हजारों आदमी, उनके काफिले में हजारों आदमी, तो कुल मिलाकर एक तरह से इसे जिला प्रशासन का फेल्योर कहा जाएगा कि इतनी भीड़ जो है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ जिसको कहा जाए, वो आगे उसको लेकर कांग्रेस ने ये आपत्ति दर्ज की है। और उसका कहना है कि ये जो भीड़ थी ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इसको लेकर मामला दर्ज किया उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अब अनूप, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक 2-3 चीजें साफ है। पहला तो ये कि इन्होंने कहा है कि जिन 117 सीटों पर अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, छठे फेज का मतदान चल रहा है, वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और ये पूरा प्रसारण दिखाया गया है, कांग्रेस का ये आरोप। दूसरा, जनप्रतिनिधि एक्ट की धारा 126 के तहत FIR दर्ज कराने की बात भी कही है कांग्रेस ने। इस पर अभी तक आपके पास क्या जानकारी है, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए निशांत, इस बारे में अभी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे थे कि जिस तरह से इनका रोड शो यहाँ पर हुआ है या जो तमाम जहाँ पर आज मतदान चल रहा है वहाँ पर इनको जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है ये उसका उल्लंघन है और इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। हालांकि अभी चुनाव आयोग से हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई है और जैसे इस बारे में कोई फर्दर सूचना हमें मिलेगी हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे।